हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस हिना खान के बारे में। हिना खान की सफलता की कहानी वाकई काफ़ी लंबी और इंस्पिरेशनल रही है, क्योंकि एक छोटे से शहर से होके बिना किसी गॉडफादर के वो न सिर्फ कामयाब टीवी एक्ट्रेस बनी बल्कि बॉलीवुड में भी पहुंच गईं। हालांकि हिना के अंदर शुरू से ही एक्टिंग स्किल जरूर थी, पर उन्होंने कॉलेज या स्कूल टाइम में ये नहीं सोचा था कि वो एक्ट्रेस बनेंगी और ना ही उन्होंने इसके लिए तैयारी की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कॉल सेंटर में जॉब करने वाली हिना खान कैसे इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी और साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी, कॉन्ट्रोवर्सीज और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ। हिना खान की फैमिली में चार लोग हैं, उनके मम्मी पापा और एक छोटे भाई जिनका नाम आमिर खान है। हिना ने अपनी स्कूली पढ़ाई श्रीनगर से ही की। हिना पढ़ाई में हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहीं। वो अपने स्कूल टाइम में बहुत मस्ती किया करती थीं। उसके साथ ही उन्हें पेंटिंग और सिंगिंग का भी शौक था, लेकिन हिना ने अपनी लाइफ में पढ़ाई को हमेशा महत्व दिया। उनका मानना है कि स्कूल में मस्ती करनी चाहिए क्योंकि वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे और इसीलिए मस्ती के साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। स्कूलिंग के दौरान हिना का सपना ये था कि वो अपनी लाइफ में एक कामयाब जर्नलिस्ट बनेगी। हिना ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, उसके बाद उन्होंने अपनी BBA कम्प्लीट की। बात करें उनकी फुल क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उन्होंने दिल्ली के CCA कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की है। हिना ने MBA अपने पहले शो में सेलेक्ट होने के बाद की थी। BBA करने के बाद हिना जॉब भी करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में कुछ जॉब इंटरव्यू दिए और तब उनकी जॉब एक कॉल सेंटर में लग गई थी। हिना ने उस टाइम लगभग 4-5 महीने कॉल सेंटर में जॉब की थी। माय फर्स्ट जॉब वाज बैक इन दिल्ली। आई वर्कड इन अ कॉल सेंटर फॉर लाइक 4-5 मंथ्स। हिना स्कूलिंग के दौरान एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, पर BBA खत्म होते होते उनका मन बदल चुका था। अब वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी और इसीलिए कॉल सेंटर में जॉब करते हुए उन्होंने एयर होस्टेस कोर्स के लिए अप्लाई किया। उनका उस ट्रेनिंग एकेडमी में नंबर आ गया, पर जब वो कोर्स करने मुंबई जाने वाली थी तभी उन्हें मलेरिया हो गया, जिसकी वजह से वो वहाँ ना जाके अपने घर पर रहीं। जब हिना ठीक हुई तभी उनकी एक दोस्त ने बताया कि दिल्ली में ये रिश्ता क्या कहलाता है TV शो के ऑडिशन चल रहे हैं। हिना ने अपने पापा से इस ऑडिशन के बारे में बात की। हिना बोलती हैं, मेरे पापा मेरे बहुत क्लोज हैं और आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है उसमें उनके पापा का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं ऑडिशन देने के लिए हिना के पापा ने हिना को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि चुपके से ऑडिशन देने भी भेज दिया। हिना ने वहाँ ऑडिशन दिया, पर उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो सेलेक्ट हो जाएंगी। पर ऑडिशन देने के अगले ही दिन प्रोड्यूसर का कॉल आ गया, जिसमें उनसे बोला गया कि वो लीड रोल के लिए सेलेक्ट हो गई हैं। हिना ने अभी तक अपनी लाइफ में कभी एक्टिंग क्लास नहीं ली थी, पर ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने 15 दिनों के लिए एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली और उसके बाद 12 जनवरी 2009 को ये शो ऑन एयर हो गया। शो शुरू होने के कुछ ही दिनों में ये शो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शोज में आने लगा और यहाँ से हिना की प्रसिद्धि दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। हिना ने इस सीरियल में अक्सरा नाम की बहू का रोल प्ले किया था। हिना इस शो में एक राजस्थानी फैमिली की बहू बनी थी। शो में अक्सरा और नैतिक की अरेंज मैरिज होती है और शादी के बाद शुरू होती है उन दोनों की लव स्टोरी। हिना ने ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं एक ही रोल में पहले बेटी का, फिर बहू का, फिर माँ का और फिर सास के रूप में भी नज़र आईं। ये शो शुरू होने से पहले भी हिना हिंदू रिलीजन से अनजान नहीं थीं। उनकी बहुत सी फ्रेंड हिंदू थीं, इसीलिए उन्हें शो को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आई। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में हिना खान ने 7 साल काम किया। ये शो सुपरहिट था और अकेला ही काफ़ी था हिना को टॉप TV एक्ट्रेस बनाने के लिए। ये शो करने के दौरान हिना ने और कोई शो नहीं किया, पर उन्होंने कई शो और रियलिटी शो में स्पेशल अपीयरेंस दिए, जैसे 2009 में कयामत, करम अपना अपना, सबकी लाडली बेबो, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, कस्तूरी, किस देश में है मेरा दिल,
राजा की आएगी बारात, साल 2010 में सपना बाबुल का विदाई, ससुराल गेंदा फूल, साल 2011 में चांद छुपा बादल में, इस प्यार को क्या नाम दूं, साल 2012 में साथ निभाना साथिया, एक हजारों में मेरी बहना है, साल 2013 में नचबलिए सिक्स में, 2014 में ये है मोहब्बतें, 2015 में दिया और बाती हम, 2016 में बहू हमारी रजनीकांत, और बिग बॉस 10 के अलावा भी बहुत सारे स्पेशल अपीयरेंस रहे। साल 2013 और 14 में हिना का नाम एशिया की टॉप 15 सेक्सीएस्ट वुमेन की लिस्ट में शामिल हुआ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं 7 साल काम करने के बाद उन्होंने खुद ही ये शो छोड़ दिया। इसका रीजन ये था कि धीरे धीरे वो लीड रोल से साइड होती जा रही थी और यंग एक्ट्रेस शो में जगह बनाती जा रही थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद हिना नजर आई खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में। वो एज ए कंटेस्टेंट शो में शामिल हुई थीं और एंड में फर्स्ट रनर अप भी रहीं। साल 2017-18 के बिग बॉस सीजन 11 में हिना को इनवाइट किया गया। वो बिग बॉस 11 का हिस्सा रहीं जिसमें वो फर्स्ट रनर अप भी रही थीं। इस सीजन हिना खान बिग बॉस की सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शल मेम्बर में से एक थीं। हिना का गुस्सैल स्वभाव, बात कहकर भूल जाना या पलट जाना और काफ़ी अलग बिहेवियर ने उनकी इमेज एक नेगेटिव कंटेस्टेंट की बना दी थी। पर इसके अलावा उनकी दोस्ती एटीट्यूड लोगों को पसंद भी आ रहा था और इसीलिए वो फर्स्ट रनर अप भी रही थीं। शो से बाहर आने के बाद हिना ने कहा था कि बिग बॉस में कई चीजें एडिट करके दिखाई जाती हैं, तो मैं जो बोली वो हर बार पूरा नहीं दिखाया गया, इसीलिए कई लोग मुझे गलत समझने लगे। बिग बॉस 11 में हिना खान के नाइट सूट को लेकर भी काफी चर्चा रही, क्योंकि वो जिस नाइट सूट में नजर आ जाती थी फिर वो उसे दोबारा नहीं पहनती थी। उनकी इस ड्रेसिंग से लोग हैरान थे कि हिना के पास इतने नाइट सूट्स कहां से आ रहे हैं, और उनके नाइट सूट्स को लेकर और भी कई तरह की बातें बनती रहीं। साल 2018 में हिना खान ने एक बार फिर टीवी सीरियल में वापसी की टीवी शो कसौटी जिंदगी की से। ये शो काफ़ी अच्छा जा रहा था और हिना की वजह से शो में अच्छी खासी टीआरपी भी मिल रही थी, पर कुछ टाइम काम करने के बाद हिना खान ने शो छोड़ने का मन बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि वो शो क्यों छोड़ना चाहती हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्में साइन कर ली हैं, जिसकी वजह से वो टीवी से ब्रेक चाहती हैं। हिना ने कुछ बॉलीवुड मूवीज जैसे हैग्ड, अनलॉक, लाइंस और विशलिस्ट में मुख्य करेक्टर प्ले किए। टीवी को छोड़ चुकी हिना ने एक बार फिर एकता कपूर के कहने पर टीवी सीरियल में वापसी कर ली नागिन 5 शो से। नागिन 5 में हिना खान नागेश्वरी के रोल में नजर आईं और उनके आते ही शो की टीआरपी में गजब का उछाल आया। हिना खान बिग बॉस 14 का भी हिस्सा रहीं, जहां वो सीनियर के तौर पर पहले 2 हफ्ते नजर आईं। हिना खान ने साल 2020 में स्मार्टफोन नामक एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया था। टीवी और मूवीज के अलावा हिना खान ने एक वेब सीरीज में एक छोटा सा रोल भी प्ले किया था और उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। हिना खान आज अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव कर चुकी हैं, उसके पीछे उनकी फैमिली, मेहनत, टैलेंट और चीजों को समझने का नजरिया रहा है। तो दोस्तों, ये था हिना खान का अब तक का करियर। पर अगर उनकी लाइफ स्टोरी में उनके महत्वपूर्ण रिश्ते की बात न हुई तो कहानी अधूरी ही लगेगी। हिना साल 2014 से रॉकी जायसवाल को डेट कर रही हैं। दरअसल शुरुआत में हिना रॉकी जायसवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं, और इसकी वजह ये थी कि रॉकी 2014 में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बने, और उनसे पहले जो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे उनको हिना अपना भाई मानती थी, तो भाई के बाहर होने से रॉकी को वो काम मिला, इसलिए हिना को रॉकी पसंद नहीं थे। पर टाइम बीता, उन दोनों की बातचीत होने लगी और थोड़े ही दिनों में वो अच्छे दोस्त बन गए। रॉकी बताते हैं कि हिना का सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना उन्हें पसंद आया था। हिना जितनी मेहनत करती थी शायद ही कोई कामयाब एक्ट्रेस करे। टाइम के साथ साथ उन दोनों में प्यार भी होने लगा और हिना और रॉकी रिलेशनशिप में आ गए। साल 2014 से आज तक वो लगातार 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके ब्रेकअप की खबरें भी आती रहती हैं, पर इन सब का मुँह बंद करते हुए वो हमेशा साथ नजर आते रहते हैं। ये रॉकी और हिना का प्यार ही है, वरना बिना शादी के इतनी लंबी रिलेशनशिप कहाँ चलती है। हिना और रॉकी के अलग अलग रिलीजन होने की वजह से कई लोग हिना के खिलाफ भी हो गए, पर किसी की सोच से उनके रिश्ते को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं हिना की कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर करण मेहरा और हिना खान में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वैसे तो हिना और करण की जोड़ी सीरियल के फैंस को बहुत अच्छी लगती थी, पर बताया जाता है कि पर्दे के पीछे ये लोग आपस में बात भी करना पसंद नहीं करते थे।
इनके अलावा शो की यंग एक्ट्रेस और एक्टर से भी हिना की कोई खास अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही। बिग बॉस के घर में भी हिना खान की अच्छी खासी लड़ाई होती रही, जिनमें उनकी सबसे ज़्यादा लड़ाई शिल्पा शिंदे से हुई थी। लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। बिग बॉस से बाहर आने के बाद वो कई मौक़ों पर भी साथ नज़र आती रहती हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को फॉलो करती हैं। शिल्पा के अलावा हिना खान बिग बॉस 11 में अर्ची खान, विकास गुप्ता और करण पटेल से भी जमकर बहस होती रही। विकास गुप्ता से बिग बॉस में चाहे कितनी भी लड़ाई रही हो, पर उन दोनों की भी दोस्ती के चर्चे खूब रहे और रियल लाइफ में भी दोनों अच्छे दोस्त हैं। इन लोगों के अलावा डांसर सपना चौधरी, प्रियांक शर्मा और निया शर्मा भी हिना खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी साल हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ मालदीव्स में बीच पर गई थीं और स्विम सूट पहनकर उन्होंने कुछ फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किए। उनका ये लुक देखकर कुछ मुसलमान फैंस भड़क गए और हिना को इस्लाम की दुहाई देते हुए बुरा भला भी कहने लगे। हिना खान के लिए ये ट्रोलिंग कोई नई नहीं है, वो लंबे समय से ऐसी ही ट्रोलिंग का सामना करती आ रही हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो अपने ट्रोलर्स को क्या जवाब देती हैं, तो उन्होंने बोला, मैं बस इग्नोर करती हूँ। हिना बोलती हैं कि ऐसे लोगों पर मुझे तरस भी आता है, क्योंकि इन लोगों को कभी लाइफ में कोई अटेंशन नहीं मिलती, इसीलिए अटेंशन लेने के लिए ये लोग ट्रोलिंग का सहारा लेते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हिना खान की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। केन फिल्म फेस्टिवल हर साल एक फिल्म फेस्टिवल होता है, जहां टीवी एक्ट्रेस का चुना जाना नामुमकिन सा ही होता है, लेकिन हिना खान को इस फेस्टिवल के लिए चुना गया। यहां पहुंचना हिना के करियर का एक बड़ा अचीवमेंट रहा और वो वहां पहुंचकर बहुत खुश थीं, पर एक सीनियर जर्नलिस्ट के एक बयान से हिना की सारी खुशी खत्म हो गई। वो जर्नलिस्ट था जितेश पिल्लई, जिसने हिना को कैंस में देखकर बोला कि कैंस अचानक चांदी वाली स्टूडियो कैसे बन गया। इस बात का हिना को काफ़ी बुरा लगा। इस बयान के बाद काफ़ी टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का सपोर्ट हिना को मिला और बाद में जितेश ने भी हिना से माफ़ी मांगी थी और हिना ने उनको माफ़ भी कर दिया। हिना खान बोलती हैं कि हम लोग पैसे कमाने और ख्वाब देखने में इतने बिजी हो चुके हैं कि मौत जो असली सच्चाई है उसको भूल गए हैं। ज़्यादातर हम में से लोग खुद के लिए या आज में नहीं आने वाले कल के लिए जी रहे हैं, जबकि ये पता भी नहीं है कि कल आएगा भी या नहीं। हिना खान की विशलिस्ट मूवी यही मैसेज दे रही है कि हमको आज में जीना चाहिए। हिना और रॉकी न सिर्फ एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, बल्कि वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। जब उनकी रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा बातें हुई तो हिना खान ने हिटर्स को जवाब देते हुए बोला था कि तुम्हें क्या पता कि मेरे पास क्या है। कई बार बहुत से लोग हिना की एक्टिंग पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन साल 2018 में उन्हें बेस्ट एक्टिंग के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब भी समाज में या रिलीजन को लेकर देश में उथल पुथल होती है, तो सोशल मीडिया द्वारा उन्हें भी फोर्स किया जाता है कि वो भी अपना ओपिनियन रखें। हिना इस पर बोलती हैं कि एज ए पब्लिक फिगर ये उम्मीद करना ठीक भी है कि हम अपनी बात रखें, और कई बार हम अपनी बात भी रखते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा किया जाए। हमारी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे अगर लगता है कि किसी मुद्दे पर हमें बोलना चाहिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी, पर अगर मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलूँगी। हिना को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और उनकी फेवरेट प्लेस मालदीव्स ही है। हिना मानती हैं कि फिजिकली भले ही वो उतनी स्ट्रांग ना हो, पर मेंटली वो बहुत स्ट्रांग हैं। हिना ने ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद वो कई लोगों की फिटनेस आइकॉन बन गईं। हिना कहती हैं कि टीवी एक्ट्रेस को बॉलीवुड के लिए बहुत छोटा माना जाता है। नेपोटिज्म हर जगह है, पर बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को कुछ ज़्यादा ही नज़रअंदाज किया जाता है। हैक्ड मूवी में बोल्ड सीन पर हिना कहती हैं कि क्योंकि आजकल के लोग सब रियल ही देखना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कोई नहीं करना चाहता, तो स्क्रिप्ट की डिमांड और लोग उससे रिलेट कर पाएँ, इसीलिए अब ऐसे सीन करना ज़रूरी हैं। हालांकि ये सीन जितने रियल दिखते हैं, शूट करने में उतने रियल नहीं होते। सीन करने में बहुत तरह की बातें दिमाग में चलती हैं, जैसे किस एंगल पर कैमरा है जिसमें ठीक तरह से वीडियो आ सके, साथ ही बहुत से लोग भी सेट पर होते हैं, तो ये सीन हमें काफ़ी बातें ध्यान में रखकर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी एक छोटे से शहर से आई कामयाब टीवी एक्ट्रेस हिना खान की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपकी हिना खान फेवरेट एक्ट्रेस में से एक हैं,
तो कमेंट करके जरूर बताएं कि उनमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं हिना अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। इसके अलावा अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।